व्यस्त रहिए स्वस्थ रहिए, ये कहना है लखनऊ की रहने वाली मंजू वर्मा का, जो आज किसी परिचय की मोहताज नहीं है। उन्होंने सन 1999 से बागवानी करना शुरू किया। महिला ने अपने घर को ही फार्म हाउस बना दिया। मंजू वर्मा न सिर्फ देसी बल्कि कई विदेशी सब्जियां उगाती हैं और पूरे परिवार को ऑर्गेनिक सब्जी के माध्यम से स्वस्थ रखने का प्रयास भी करती हैं। राजभवन में लगने वाली साग भाजी एवं पुष्प प्रदर्शनी में उन्हें हर साल पुरस्कार मिलता है। मंजू वर्मा को अब तक 100 से ज्यादा पुरस्कार मिल चुके हैं। इस वीडियो में देखिए मंजू वर्मा के सफलता की कहानी। ये 99 से हमने शुरू किया। बच्चे बड़े हो गए, सब बाहर चले गए, तो हमें लगा शौक कि मैं अपना टाइम कैसे पास करूं, तो बागवानी में लग गई। ये सब चीज़ें हमें अपने पिताजी राम मनोहर शास्त्री से विरासत में मिली है, जिनको राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी ने कृषि पंडित से उपाधि से नवाजा। अच्छा, किस तरह की जो होम गार्डनिंग आपकी है, जो कह सकते हैं कि जो आप अपने छतों पे अपने घर में ही उस तरह की ये बागवानी का शौक़ रखती हैं, तो कैसे कैसे पौधों का शौक़ है आपको और कितनी मेहनत है उनमें? देखिए, डेली 1-2 घंटे तो समय देना पड़ेगा, और अगर शौक़ है तो सब हो जाएगा। लोग कहते हैं हमारे पास शहर में रहते हैं, जगह की कमी है, हम कैसे करें क्या करें, तो हम तो उनको यही कहना चाहेंगे कि देखिए, अगर शौक़ है ना तो वो सब कर लेंगे। जिनके पास जगह की कमी है वो भी अपने छत पे व्यवस्था करके अच्छी अच्छी ताज़ी ताज़ी सब्जियां चीज़ें उगा सकते हैं और बिल्कुल ताज़े का आनंद ले सकते हैं और स्वस्थ जीवन बिता सकते हैं। आपने एक फार्मूला बताया था कि व्यस्त रहिए स्वस्थ रहिए, क्या है ये फार्मूला? हमारे पिताजी तो यही कहते थे कि खाली बिल्कुल मत बैठो, समय को बिल्कुल बर्बाद मत करो, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो, मस्त रहो, कुछ न कुछ करते रहो। बैठने से कुछ नहीं होगा, कुछ करते रहोगे तो कुछ न कुछ हासिल होगा ही। आपको इतने सारे अवार्ड मिले हैं, इनको देख के कैसा महसूस होता है? देखिए, अवार्ड मिलता है तो सबको अच्छा लगता है, हमको भी अच्छा लगता है, खुशी होती है कि भाई मेरे बच्चे पीढ़ी दर पीढ़ी इसको देखेंगे तो कहेंगे कि मेरी दादी को इतने सारे अवार्ड मिले। ये उत्तर प्रदेश है, यहाँ नीली क्रांति के वाहक बन रहे हैं मछली पालक, और इसके पीछे है केंद्र और राज्य की डबल इंजन वाली सरकार की डबल योजनाएं। उत्तर प्रदेश की टीम ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से वो परिवर्तन करके दिखाया है। वो परिवर्तन आज सर्वत्र, हर पक्ष में, हर स्तर पर, हर गांव में, हर मोहल्ले में, हर कस्बे में, हर जनपद में वो देखने को मिल रहा है। केंद्र की ओर से प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना चलाई जा रही है, तो राज्य की ओर से मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना लागू की गई है। इन योजनाओं में सरकारी और गैर सरकारी तालाबों पर मछली पालने के लिए राज्य सरकार की ओर से अनेक सहूलियतें दी गई हैं, ताकि मत्स्य उत्पादन का दायरा और मछली पालकों की आय दोनों बढ़ सके। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक यूपी में मछली पालन से 39 लाख परिवारों का घर चलता है। जिन परिवारों की आय बढ़ाने के लिए 20 मई 2020 को प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना लागू की गई। मछली पालन के लिए पट्टे पर जमीन दी गई, विभिन्न मदों में अनुदान दिया गया, जिससे खेती करते आ रहे किसानों का भी नीली क्रांति की ओर रुझान बढ़ा। आज 2023 में लगभग हमारे पास 40 बीघे के तालाब है, यानी कि हमने गेहूं और चावल को लगभग शिफ्ट कर दिया है, और शिफ्ट करके आज फिश फार्मिंग में अच्छा खासा लाभ कमा रहे हैं। और मैं तो चाहूँगा कि हर व्यक्ति इस तरफ आए और फिशरीज़ की तरफ उसका इंटरेस्ट अगर होगा तो निश्चित रूप से अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार सकता है। सरकार का सहयोग मिल रहा है।
दरअसल गांव में सरकारी तालाबों को मछली पालन के लिए इस्तेमाल करने का प्रावधान शामिल नहीं था। इस कमी को दूर करने के लिए दिसंबर 2022 में यूपी की योगी सरकार ने मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना शुरू की। ग्राम सभा के तालाबों को भी मछली पालन के लिए पट्टे पर तालाब देने की छूट दी गई और 4 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर की आने वाली लागत पर 40% तक अनुदान दिया जाने लगा। ग्राम सभा के तालाबों में 25 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से मछली का उत्पादन हो पाता है, जबकि सरकार की ओर से अनुदान देने से और तकनीकी सहायता मुहैया कराने से ये उत्पादन 50 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक पहुंच सकता है। पर डे मैं 100 से 150 किलो मछली सेल करता हूं, जिसमें मेरा प्रॉफिट 7 से 10 हज़ार रुपये पर डे का होता है। महीने में 20 दिन में अगर सेल कर लेता हूं तो मैं 2 लाख रुपये महीना कमाता हूं। तो मेरा मेन रीज़न ये था कि मैं नेचर से रिलेटेड अपने गांव में रह करके एक अच्छा काम करना चाह रहा था, जिससे नेचर को भी फ़ायदा हो, मेरे को भी फ़ायदा हो। प्रदेश में ये योजना 5 साल के लिए लागू की गई है, जिसके लिए 24 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष की दर से 120 करोड़ रुपए बजट दिया गया है। सरकार ने इस योजना में प्रतिवर्ष 600 हेक्टेयर जल क्षेत्र तैयार करने का लक्ष्य रखा है, जिससे 5 साल में यूपी में कुल 3000 हेक्टेयर जल क्षेत्र तैयार होगा और बड़े पैमाने पर मछली पालन होगा। ये सारी स्कीम यूपी सरकार के मत्स्य विभाग की इस वेबसाइट पर दी गई है, जिस स्कीम का कोई भी पात्र नागरिक लाभ उठा सकता है।